हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे खरगोश के बच्चे हैं ये सब, और इससे छोटे छोटे बच्चे जो है टोकरी में हैं 4-5। तो मित्या और मैं इनको खिलाते हैं। अब चलिए, अब हम चलते हैं सेम के बेल के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सेम फरे हुए हैं। तो यहाँ से हम सेम को तोड़ते हैं। अब यहाँ से सेम तोड़ने के बाद चलते हैं दूसरी तरफ, वहाँ भी सेम भरे हुए हैं, वहाँ से भी तोड़ लेते हैं। सेम को हमने तोड़ लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। अब हम आ गए हैं घर पर, और यहाँ पे हम सेम को दोनों तरफ से जो इसका नोक है इसके रेशेदार हटा लेते हैं। और यहाँ पर हमने एक टमाटर लिया है, आलू के भी छिलके उतार लेते हैं। चूल्हे में हमने आग को जलाया है, इसके ऊपर रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम पानी डालेंगे थोड़ा सा। हमने जो आलू छीले थे उनको अच्छे से धो लिया है, अब कढ़ाई में डालेंगे उबलने के लिए।
आलू डालने के बाद हम सेम को भी हमने अच्छे से धो लिया था, इसको भी हम डालेंगे उबलने के लिए। साथ में टमाटर भी उबालेंगे। तो आज हम सेम का जो है कि भरता बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारा टमाटर, सेम और आलू जो हमारे अच्छे से उबल गए हैं, तो इनको हम पानी से छानकर अलग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। भरता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लहसुन की पत्तियाँ लिया है, इसको हम छांट लेते हैं, और हरी मिर्च इसको भी ले लेते हैं। हमने धनिया की पत्ती, लहसुन और हरी मिर्च को धो लिया है, अब इनको हम टुकड़ों में काट लेते हैं। और आलू हमारे अच्छे से उबल गए हैं, तो इनको भी हम फोड़ लेते हैं। टमाटर के छिलके उतार कर हम इसको भी रख लेते हैं थाली में। सेम को हम अच्छे से निचोड़ के रख लेते हैं। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे। इसमें हम सरसों का तेल डालते हैं। अब भरते को अच्छे से हम मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। हमारा सेम का चटपटा भरता बनकर एकदम तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।